देखने वाले हैं जो हमने कंप्यूटर की सीरीज़ की थी उसमें स्टार्ट करी है दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसमें हमने एक वीडियो कवर किए जिसमें 50 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। अब चलते हैं देखिए वीडियो नंबर 2 की तरफ, इसमें फिर से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलते हैं देखिए पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक सभी जानते हैं किसको कहा जाता, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता, तो सभी जानते हैं इसे क्या कहा जाता, ईमेल। और ईमेल की कल फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगी। नेक्स्ट, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता, तो आप बताएंगे विंट कर्व को। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता, तो आप बताएंगे विंट कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निब्बल किसके बराबर होता, तो आप बताएंगे 4 बिट के। एक निब्बल किसके बराबर होता, तो आप बताएंगे 4 बिट के बराबर होता। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम में अशुद्धि एरर को क्या कहा जाता, तो सभी जानते हैं बग। किसी प्रोग्राम में अशुद्धि एरर को क्या कहा जाता, तो आप बताएंगे बग। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आप बताएंगे 8 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आंसर बताएंगे 8 बिट। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर को कंप्यूटर साक्षर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को भारत में कंप्यूटर साक्षरता मतलब कंप्यूटर पढ़े लिखा लिटरेसी का दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे डगलस एजलबर्ट ने। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे डगलस एजलबर्ट ने किया। नेक्स्ट, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, तो आप बताएंगे इनेक। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, इनेक था। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में आपसे क्या कह रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट और उसकी साइट को उस सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जिसका प्रयोग इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है, तो आप क्या बताएंगे ब्राउज़र। क्या कहलाता है वो, ब्राउज़र कहलाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, तो आप बताएंगे सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है, तो आप बताएंगे जॉन मैकार्थी। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है, तो आप बताएंगे जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस के पिता किसे माना जाता है, तो एलन टूरिंग। कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें माना जाता है, तो आप बताएंगे एलन टूरिंग को माना जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट कौन सी कुंजियों को कहते हैं, तो आप बताएंगे मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट अलर्ट कौन सी कुंजियों को कहते हैं, तो आप बताएंगे मॉडिफायर को कहते हैं। नेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारे हजारों पोजीशन किसके द्वारा पता लगते हैं, तो आप बताएंगे आंसर होगा ब्लिंकर। किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारे पोजीशन किसके द्वारा पता चलते हैं, तो आप बताएंगे ब्लिंकर के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे रैम और रोम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम और रोम होती है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया, इंटरनेट में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो आप बताएंगे जावा। इंटरनेट प्रयोग में होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। नेक्स्ट, प्रिंटर क्वालिटी की मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे DPI। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे DPI का। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे स्पैम। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे स्पैम। नेक्स्ट, कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे प्रोग्राम के नाम से। कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं देखें, कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे फोरटन। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे फोरटन का। फोरटन की फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछने लगे तो बताएंगे फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। WWW किसने बनाया, तो आप बताएंगे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की आपसे कोई फुल फॉर्म पूछने लगे तो आप बताएंगे ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने इसका क्या क्या आविष्कार किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से जाना जाता, अगर आपसे पूछने लगे
कि सीडी की फुल फॉर्म बताओ, तो सीडी को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसका एक अन्य नाम क्या है? तो आप बताएंगे इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम को अचानक बंद कर देना या हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो क्रैश। क्या कहा जाता है? क्रैश कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए 28 में आपसे क्या कह रहे हैं, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या फुल फॉर्म में बताएंगे? रीड ओनली मेमोरी। क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आप बताएंगे 128 बिट होते हैं। नेक्स्ट, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो बताएंगे फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस के इस्तेमाल में होता है? तो आप बताएंगे प्रिंटर का। पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बताएंगे प्रिंटर का। नेक्स्ट, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो आप बताएंगे क्रोम। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो आंसर बताएंगे क्रोम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में USB की फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताएंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, कंप्यूटर में पेटीएम शब्द किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर से है। नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो आप बताएंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे MICR का। किसका किया जाता है? MICR का किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद MICR का क्या फुल फॉर्म होता है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW को बैकबोन किसे कहा जाता है? तो HTTP को कहा जाता है। WWW की बैकबोन आपसे पूछने लगे किसे कहा जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप बताएंगे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऐसा प्रोग्राम जो उस स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदल दे उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कंपाइलर। क्या कहते हैं उसे? कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो बताएंगे ब्राउज़र। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे ब्राउज़र। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी भी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो आप बताएंगे रिफ्रेश का किया जाता है। कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या है? तो बताएंगे बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। कंप्यूटर में UPS का क्या काम होता है? बिजली जाने के बाद बैकअप प्रदान करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड में 0 से 9 तक की को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक की। और F1 से F12 की उस की को क्या कहा जाता है? फंक्शन की। इन्हें क्या जाता है? न्यूमेरिक की। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेस्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ कर रखने को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे ड्रैगिंग। क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? तो आप बताएंगे इनक्रिप्शन। किसकी वजह से? इनक्रिप्शन की वजह से। कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी है? तो आप बताएंगे वॉलेटाइल मेमोरी है। और कंप्यूटर में रोम किस तरीके की मेमोरी है? तो आप बताएंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को दर्शाया गया। पहले फुल फॉर्म में आपसे क्या कह रहे हैं? CDMA। तो आप बताएंगे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। DVD की सभी जानते हैं डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट GUI, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। मॉडेम सभी जानते हैं मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DDR डबल डेट रेट। डबल डेट रेट। और ईमेल की सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा।